किसी दाना का कौल है कि तुम अपने दुखों को अपनी कुव्वत में बदल लो। इस हादसे के मुतासिरीन ने इस कौल को सच कर दिखाया और अज़्म व हिम्मत की एक मिसाल कायम की। टास्क, क्योंकि 90 डेज में आपने सफाई भी करानी है, डेब्रीज निकलने में 20 दिन लगे, तो जब इतने सारे हमारे साथी जो हैं वो शहीद हो गए इस वाक़े के अंदर, तो एक और बहुत बड़ा मसला जो है वो ये था कि लोग जो हमारे हैं किस तरह से उनका ये जो पेन और ग्रीफ है इसको हम टर्न करें इनटू आवर स्ट्रेंथ, राइट जी, और उनको फिर मोटिवेट करके तो इस मकसद की तरफ लाएँ। आजमाइश की यह घड़ी बहुत कड़ी थी, मगर जज्बे और यकीन मंजिल तक ले आए। जहां कल मलबा, धुआं और अंधेरा था, आज वहां रोशनी है, जिंदगी की चहल पहल है। अज़्म हिम्मत की एक और मिसाल, आमिर मलिक, जो शदीद तबाही के नतीजे में मलबे के नीचे दब गए थे। जब पहले हॉस्पिटल में हम गए, यू नो दे वर ट्राइंग टू टेक मी टू द ऑपरेशन थिएटर, के पहले पांव काट देते हैं या टांग इम्प्यूट करते हैं, लेकिन उस वक्त भी मैं डॉक्टर से कहा, मैंने कहा सब्र करें, यू नो आई एम फीलिंग बेटर। आमिर मलिक ने बेहतरीन कुव्वत इरादी का मुजाहरा करते हुए दूर भागती हुई जिंदगी का दामन फिर से थाम लिया। विल पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एट द सेम टाइम यू नो ये प्रूवन फैक्ट भी है कि आपकी जो माइंड है इट कंट्रोल्स योर बॉडी। मुझे आया है ख्याल कि और स्लोली एंड ग्रेजुअली कि यू नो कि शायद मैं आई कॉन्ट मेक इट, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट, आई सेड कि आई कैन मेक इट। एक पावर थी मेरे अंदर और जो आ गई थी। अब आमिर मलिक अपने फराइज पहले से कहीं ज्यादा तंदही से निभा रहे हैं। मैरियट होटल के इंतजामिया और कारकुनान ने शब रोज की अंथक मेहनत और अपने अज़्म से रोशनियों का एक शहर फिर से आबाद किया और पहले से ज्यादा खिदमत के जज्बे से भरपूर नए सफर का आगाज किया। हर गेस्ट का रिमार्क ये होता है कि आपने एक ऐसी चीज की है कि जो दुनिया में शायद नहीं देखी कि हमने ऐसा कुछ हुआ है। ये हिम्मत और जज्बे की बात थी। हर एक बंदे ने यहाँ दिन रात काम किया है। जितना कर्टियस स्टाफ है और जिस तरीके से और जितना मुस्कुरा के जिस तरह से वो लोग आके हर एक को वेलकम कर रहे हैं और ये एक अपनी वार्मथ शो कर रहे हैं, उसको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन लोगों ने उस हादसे को होते हुए देखा है, उसके बावजूद फिर आके अपनी ड्यूटी करना और अपने क्लाइंट्स को ये अश्योरेंस देना कि हम यहाँ पर हैं एंड वी केयर फॉर योर कम्फर्ट। जो हम लोग के ड्यूटी मैनेजर्स और वो सब लोग 24 आवर्स, उन लोगों को ये नहीं था कि उन लोगों को घर जाना है, उनकी डबल ड्यूटीज़ थी, मतलब उनको हॉस्पिटल भी जाना होता था, उनकी भी केयर करनी होती थी, यहाँ पे भी देखना होता था कि क्या काम हो गया है क्या नहीं हुआ। ज
जब आंखों में अमन की रोशनी हो और सीनों में जिंदा रहने का अज़्म जमा हो, तो फिर महकती और गुनगुनाती जिंदगी का सफर कौन रोक सकता है। जब मैं हॉस्पिटल से निकला, यू नो, आफ्टर 4 वीक्स 6 वीक्स, तो ऐसा कार में जा रहे थे वापस, तो यू नो आई टोल्ड माय सिस्टर्स की गाड़ी एक मिनट जरा आस्ता कीजिए, तो उन्होंने कहा आस्ता क्यों, उनका तबीयत ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा लेफ्ट पे ज़रा कार रुकना। सो आई वेंट आउटसाइड, यू नो, इस समय क्लचेस पे उन्होंने, बल्कि मुझे साथ घर वाले थे, उन्होंने उठा के उन्होंने कहा कि वजह क्या है। मैंने कहा मैं सिर्फ एक दफ़ा सांस लेना, और आई फेल्ट अ ट्री और लीफ को, मैंने पत्तों को फेल्ट किया कि समटाइम्स यू नो हम भूल जाते हैं कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम भूखे रह सकते हैं, हम मुश्किल में रह सकते हैं, कपड़े खराब पहन सकते हैं, खाना मामूली खा सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें सुकून चाहिए, हमें अमन चाहिए मुल्क में। मसूदुर रहमान ने जिंदगी के आखिरी सांस तक अमन, जिंदगी और मोहब्बत का ऐसा चिराग रोशन रखा जिसने एक नई सुबह का आगाज किया। बेटे की विलादत से उनके घर में जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठी है। बेटा पैदा हुए, आज हो गया है 2 जनवरी को हुआ, बाप से पीछे 3 माह और 10 दिन बाद में हुआ ना, तो दुआई में मैं मांगती रही कि अल्लाह मियाँ मेरे बेटे का मालक पैदा कर दे, तो वो भी अल्लाह ने सुन ली, खुशी भी थी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो बेहद खुशी हुई। और क्या मत आगे मारे, अब जब देखती हूँ बच्चे को, दिल बर्दाश्त नहीं करता, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाप का हिस्सा इतना है कि भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन उसके बाप की कमी जो है ना, वो पूरी नहीं होती। सारी मेहनत मजदूरी मेरी पूरी हो गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा मुझे नए सिरे से फिर मेहनत करनी पड़ी। जवान मेरी बहू है, ये पोता है कुछ दिनों का, कब ये बड़ा होगा? बच्चे का नाम वो खुद कहता था कि मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम दाऊद अली रखूंगा, तो हमने फिर उसका नाम दाऊद अली मसूद रखा है। हाथ से जिंदा दिल कौमों को सिर्फ तल्ख यादें नहीं बल्कि मुश्किलों से निमटने की ताकत भी दे जाते हैं। सिर्फ खिजा आलूद मौसम नहीं बल्कि सब्ज रुतों की नवीद भी देते हैं। तो मसूद तो हमारा सब का लाडला था, तो अब इसके बच्चा भी इसी तरह रह गया है, लेकिन अल्लाह करेगा, पालने वाला वो रब है, वो परवरिश करेगा इसकी, इंशाल्लाह। तो हम भी इसके ताबेदार हैं, मैं ताबेदार हूँ जब तक जिंदा हूँ। मुझे ये मंजिल अल्लाह ने दिया, पहले भी दिया अब भी दिया। वाए मेहरबा सूरज के आंगन से सुनहरी धूप की जब झोलियां भर भर के लाएगी, उफक के ताकचे में चारों जानिब देखता सूरज दिलों को रोशनी तकसीम कर देगा, हरी फसलों के सोने में नई नस्लों की आंखों में वफा की शाहराहों पर यकीन की बारगाहों में मोहब्बत अमन की अबदी निगाहों में दिए जलते रहेंगे, वफा उम्मीद और ईमान के सारे दिए जलते रहेंगे।